सक्ति थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार की नगर में लगातार सक्रियता से जहां कानून तोड़ने वालों के मन में डर बन रहा है, वहीं युवा किशोर उनसे काफी प्रभावित हो रहे हैं और कई प्रकार से उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर के एक छात्र द्वारा उनकी हूबहू पेंटिंग बनाकर उन्हें भेंट की गई। वर्तमान शक्ति थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार ने जब कार्यभार संभाला, उसके कुछ समय बाद ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। इस गंभीर स्थिति में श्री परिहार पूरे क्षेत्र के साथ ही नगर में भी लगातार सक्रिय रहे। कभी जवानों के साथ तथा कभी अकेले ही, कभी वाहन में तथा कभी पैदल ही नगर में गश्त करते रहे और लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों को समझाते रहे। समझाने के लिए कभी सख्त हुए तो कभी प्यार का सहारा लिया। उनकी इस लगातार सक्रियता को देखते हुए क्षेत्र के लोग, विशेषकर बच्चे, किशोर तथा युवा उनसे काफी प्रभावित हो रहे हैं और कई लोग तो उन्हें अपना आदर्श मानने लगे हैं। उन्हीं में से एक नगर के साईं मंदिर के पास रहने वाले छात्र सूरज सोनी, जो स्काउट भी हैं, ने श्री परिहार से प्रभावित होकर उनकी हूबहू पेंटिंग बनाई तथा शैक्षणिक जिला शक्ति के जिला संगठन आयुक्त डीओसी राजकुमार पटेल के साथ थाना पहुंचकर थाना प्रभारी श्री परिहार को उनकी पेंटिंग भेंट की। बदलाव देखते हुए मैंने उनकी उसी से प्रभावित होकर उनकी पेंटिंग बनाई और बहुत सी बदलाव आए हैं शक्ति में। जैसे पुलिस का इमेज चेंज हुआ है, पहले जो इमेज नहीं था वो आज है। वो मेरी प्रेरणा है, इसीलिए उनकी मैंने पेंटिंग बनाई। जब से ये लॉकडाउन लागू हुआ है हमारे पूरे देश में, तब से लगातार मेरे जवानों के द्वारा, हमारी पुलिस के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है। बच्चों के द्वारा ये दिया गया है प्रोत्साहन, निश्चित रूप से हमें और भी ऊर्जावान होकर के और मेहनत करके क्षेत्र की सुरक्षा हेतु प्रयास करने की ओर अग्रसर करता है, उसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे बच्चों को। और ये निश्चित रूप से यह जो मुझे प्रोत्साहित करने हेतु जो कार्य बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि जनता के मन में, बच्चों के मन में पुलिस के प्रति जो एक नकारात्मक छवि बनी हुई थी, वो निश्चित रूप से सकारात्मक छवि बनती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जनता टाइम्स न्यूज़ के लिए शक्ति से राज शर्मा की रिपोर्ट।